सौरभ भारद्वाज, और आज एक बहुत महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा के लिए हम यहाँ स्टूडियो में हैं, और हमारे साथ हैं धीरज कुमार शुक्ला। नमस्कार शुक्ला जी, कहाँ के रहने वाले हैं पहले तो ये बताएं। सर, मैं यूपी का रहने वाला कौन सी हूँ, जगह, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट की, सुल्तानपुर जिला सुल्तानपुर। जी। क्या है मामला, थोड़ा सा बताएं। सर, मामला ये है कि मेरी लड़की बहुत सुलझी और बहुत भोली सीधी किस्म की लड़की है। ये जावेद लड़का कब उससे मिला, कैसे मिला, उसको कैसे बहलाया, फुसलाया, क्या किया है कि उसके दिमाग को इस तरीके से हेपोटाइज कर रखा है कि लड़की मेरी मुझसे बात नहीं कर रही है, मुझसे मिल नहीं रही है, और ये दोनों कहाँ रह रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता है। मैं कह रहा हूँ, अपनी बेटी को ये मैसेज दे रहा हूँ वॉइस ऑफ फरीदाबाद के माध्यम से कि बेटी, तू जो भी किया है, गलत किया, सही किया, मैं ये चाहता हूँ कि तू अभी भी वापस आ जा, अपनी जिंदगी बचा ले, क्योंकि बेटा ये लोग अच्छे नहीं होते हैं। ये लव जिहाद का तू शिकार बन रही है, क्योंकि तेरा निकाह फर्जी हुआ है, तेरा निकाह फर्जी हुआ है, तेरा फर्जी तरीके से धर्म परिवर्तन कराया गया है, और तुझे जो भी ये इस शिकंजे में जो तू फंसती जा रही है, मैं कह रहा हूँ बेटा तू लौट के घर आ जा, नहीं तो तेरे जिंदगी में सिर्फ पछतावा के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि ये आपने श्रद्धा के सुना होगा, तमाम रोज की न्यूज में आते हैं, मेरे पास बहुत सारे न्यूज पेपर कटिंग है जो मैं दिखाना चाहूँगा। इस तरीके की रोज घटनाएं हो रही हैं, जो है हिंदू बेटियों के साथ मुस्लिम लड़के पहले पीछे पीछे चक्कर काटेंगे, फिर उनको किसी भी तरीके से बहला फुसला के उनको कितने षड्यंत्र तरीके से, ये सर मैं आपको निकाह दिखाना चाहूँगा, ये निकाह हुआ है, इस निकाह में काजी का कोई पता नहीं, काजी कहाँ रहता है कोई एड्रेस नहीं, काजी का कोई मोहर नहीं लगा हुआ है, काजी जो सिर्फ इतना लिखा है राजीव कॉलोनी बल्लभगढ़ फरीदाबाद, राजीव कॉलोनी तो इतनी बड़ी है। राजीव कॉलोनी इतना बड़ा है, वहाँ राजीव कॉलोनी में तीन मस्जिद हैं, तीनों मस्जिद पे मैं गया हूँ, तीनों मस्जिद के काजी से मिला हूँ, कह रहे हैं अब्दुल सुभान नाम का कोई काजी यहाँ नहीं रहता है, काजी का भी नहीं पता है, और निकाह बन गया, निकाह करा दिया, निकाह बनाने के बाद में लड़की का 10 रुपए पे एफिडेविट बनवा दिया। सर ये एफिडेविट मैं दिखा रहा हूँ, 10 रुपए के एफिडेविट बना के, और इन्होंने कोर्ट को गुमराह किया, कोर्ट को गुमराह किया, गुमराह करते हुए कोर्ट से इन लोगों ने पटीशन ले ली, पुलिस प्रोटेक्शन ली 3 दिन का, और ये बताइए माँ बाप से खतरा था तो क्या 3 दिन की ही प्रोटेक्शन में माँ बाप से खतरा खत्म हो गया, तीसरे दिन के बाद ये प्रोटेक्शन विड्रॉल कर लेते हैं, और विड्रॉल करने के बाद आज तक मेरी लड़की का मोबाइल इन्होंने स्विच ऑफ करा रखा है, मेरी लड़की से ये बात नहीं करने दे रहे हैं, ना उसको क्या धमकाया है, किस हिसाब से उन्होंने रखा है कुछ नहीं पता लग रहा है, लड़की का कैसे माइंड वॉश कर रखा है। अगर ये इतने हम कह रहे हैं, इतने ही अगर ये मान के चलो कि ये लव है, जिहाद नहीं है, मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि ये जिहाद नहीं है, लव है, लव में तो प्यार होता है ना सर, जी लव में तो प्यार होता है ना, तो लेकिन लव अगर है तो क्या माँ बाप से क्यों दूरी है, माँ बाप से क्यों भाग रहे हैं, माँ बाप के सामने आना चाहिए। अगर हमारी बेटी है, ठीक है, जो भी किया, जैसे भी किया, मान के चलिए कोई डिसीजन सही लिया, गलत लिया, क्या लिया, वो फ्यूचर बताएगा, लेकिन माँ बाप से मिलना चाहिए, बेटी को मिला नहीं रहा, ये लड़का लेके भाग रहा है, क्यों लेके भाग रहे हो भाई, तुम सामने फेस क्यों नहीं कर रहे हो, तुम उसका मोबाइल क्यों बंद करा रखा है, उसका मोबाइल आप उसको ऑन कराइए, उसके मोबाइल पे हम लोग बातचीत करें, वो इस डर से उसका मोबाइल स्विच ऑफ करा रखा है कि ताकि अपने माँ बाप से बात ना कर सके, अपने माँ बाप के फेवर में ना जाए। तो ये बहुत गंदा खेल खेला जा रहा है सर हमारे साथ, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। मेरी लड़की अगर कभी भी मुस्लिम धर्म में इच्छा रखती है अपनाने के लिए, तो कभी हम लोगों से जिक्र करती कि मुझे मुस्लिम धर्म बहुत प्यारा है, या मुस्लिम धर्म मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस तरीके कभी कोई बात नहीं। हमारी लड़की पूजा पाठ करती थी, व्रत रहती थी, पूरे हिंदू संस्कार में जो कुछ होती सारे कुछ करती थी, उसको अचानक क्या हो गया, अचानक उसको क्या हो गया कि उसने 1 दिन के अंदर ही जो है मुस्लिम बन गई, एक ही दिन में उसने निकाह कर लिया, एक ही दिन में सब प्रोटेक्शन ले लिया, 1 दिन में क्या हो गया ऐसा,
22 साल हमने अपनी बेटी को पाला है, पढ़ाया लिखाया, बीकॉम कराया, उसको ग्रेजुएशन करवाई और उसके बाद में उसको बैंक में हमने नौकरी लगवाई, HDFC बैंक में जॉब कर रही थी वो। इस लड़के ने उसका क्या दिमाग बदल दिया, उसके दिमाग में क्या ऐसा फतून भर दिया कि जो आज वो अचानक, मैं उसको बैंक छोड़ने गया हूँ और बैंक छोड़ के आया हूँ, आधे घंटे बाद मेरे पास फोन आता है कि लड़की आज आई नहीं। जब मैं खोज खबर पता करता हूँ तो पता लगता है इस लड़के ने बहला फुसला के किसी तरीके से लड़की को लेके गया है। बहुत ढूंढने के बाद बहुत चारों तरफ प्रयास करता हूँ, फिर शाम को मेरे पास SGM नगर थाने से एक महिला का फोन आता है कि ये आपकी लड़की ने जो है निकाह कर लिया और कोर्ट से प्रोटेक्शन ले लिया है। मेरे तो होश उड़ जाते हैं, मैं परेशान, पूरी फैमिली मेरी परेशान है, ऐसा कैसे हो जाएगा था। कभी तो उस लड़की ने जिक्र ही नहीं किया हम लोगों से कि पापा मुझे ये लड़का पसंद है, मुझे इस लड़के से शादी करनी नहीं, है। लड़के की शादी की बात तो देखिए, दोनों बालिक भारत का संविधान अलाउ करता ठीक है सर। शुक्ला जी, हम जो जानना चाह रहे हैं, कभी ऐसा लगा आपको कि संस्कृति, आपकी बेटी संस्कृति का इस्लाम की तरफ कोई रुझान हो रहा? नहीं हो? सर, कभी भी नहीं। उसे इस्लाम का जो लिटरेचर है वो कोई कुछ भी नहीं, कोई उसको अच्छा लगने इस्लाम लगा का ई भी नहीं पता है, वो इस्लाम के बारे में कोई पढ़ रही हो कि कभी कुछ नहीं इस्लाम के बारे में पढ़ा है, कोई इस तरह के वीडियोस देखती हो कि इस्लाम, कभी इस्लाम, कोई वीडियो नहीं देखा है उसने कभी इस्लाम के बारे में, तो ये भी नहीं जानती वो। तो मतलब ये जो शादी, जो इस्लाम स्वीकार किया, ये केवल और केवल शादी के उद्देश्य से स्वीकार किया? ये इस्लाम स्वीकार हुआ कहाँ है सर, कानूनन तो इस्लाम स्वीकार नहीं हुआ है ना, क्योंकि हमारा हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण 2022 का जो एक्ट आया हुआ है जी, उसमें किसी का धर्म परिवर्तन कराने से पहले, वो हमारी लड़की का खुद धर्म परिवर्तन कर रही है, अपनी मर्जी से भी कर रही है, तो उसका एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के हिसाब से उसको गुजरना पड़ता है कि SDM के यहाँ अप्लीकेशन देगी, अप्लीकेशन देने के बाद में उस पर जाँच करेगा SDM, उसके बाद में एक सर्टिफिकेट इशू करेगा SDM, उस सर्टिफिकेट की हाँ जी आप मुस्लिम धर्म आप अपना चुकी हैं, आप ये सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाता है। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ये 10 रुपए के एफिडेविट में मैं बोल दूं कि जी नहीं मैं हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म अपना रही हूँ तो बस मुस्लिम हो गई मैं, ये तो कहीं नहीं है। और जब मुस्लिम वो हुई नहीं तो निकाह कैसे हुआ, क्योंकि एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़के का निकाह नहीं होता है जी। तो अब इसको, इस मामले को लेकर FIR दर्ज हो गई जी, इस मामले को लेकर नगर थाने में इस 9 लोगों के खिलाफ जी, नौ लोगों के खिलाफ हमने FIR किया है जी। इसमें जो भी दोषी हैं, इस षड्यंत्र में जो जो भी दोषी हैं सर, मैं अपने पूरी लड़ाई लड़ूंगा और उन सब को जो इस एक्ट के तहत सजा है वो दिलाऊंगा मैं, क्योंकि मेरी बेटी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, उसका पूरा कैरियर चौपट कर दिया गया है। एक पढ़ी लिखी हमारी बेटी जो है उसका कैरियर इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। ये पूरा मसला लव जिहाद का है, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि ये शादी बहुत लंबा नहीं चलेगी, और इसको जब तक इन लोगों ने अपने कब्जे में कर रखा है, बहला फुसला रखा है, तब तक वो जो भी जैसे भी रह रही है। लेकिन जिस दिन उसको समझ में आ गई सारी बातें, उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। मैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद के माध्यम से फिर एक अपील कर रहा हूं कि अगर जो भी कोई देख रहा है इस लाइव को, सर मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपनी बहन बेटियों को किसी भी तरीके से बचाने की कोशिश की जाए, वरना मेरे जैसे हर कोई इस तरीके से पीड़ित रहेगा, क्योंकि इन लोगों ने इतना गंदा खेल खेला जा रहा है कि एक बताइए, झूठा मूठा निकाह हो जाता है, झूठा मूठा एफिडेविट बन जाता है, धर्म परिवर्तन बना देता है। आज मैं अपनी ही बेटी से नहीं मिल पा रहा हूं, अपनी ही बेटी से मैं नहीं मिल पा रहा हूं। 22 साल हमने अपनी बेटी को पाला पोसा सब कुछ किया, लेकिन आज मैं अपनी बेटी से नहीं मिल पा रहा हूं, ये कैसा कानून है सर? ये दिखाएंगे सर एफिडेविट, ये कैसा कानून है? ये 10 रुपए का कागज है जी, और इसका नंबर है 47AA AA 11 26 35 जी। इसमें ये विवाह की बात है, इस इकरारनामा बाबत विवाह की नियम व शर्तें इस प्रकार हैं। और ये जो एफिडेविट है, ये एफिडेविट है सर, ये इकरारनामा और ये एफिडेविट है जो धर्म परिवर्तन का जिस पर मैंने FIR करवाई है, वो ये है, ये एफिडेविट है 34 नंबर एफिडेविट। हाँ।
है धर्म परिवर्तन का, जी धर्म परिवर्तन का, और 35 नंबर एफिडेविट है इकरारनामे का, हाँ मतलब तुरंत तुरंत। हाँ 28 अक्टूबर को ही दोनों, जी मतलब पहले तुरंत धर्म परिवर्तन होता है जी, और धर्म परिवर्तन के तुरंत बाद शादी हो जाती है, निकाह जैसा वो बना रखा है। क्योंकि इनके यहाँ जो शरीयत कानून में जो है कि जब तक लड़की मुस्लिम धर्म नहीं अपनाएगी तब तक वो निकाह नहीं पढ़ सकती है। ओके, तो अब इसमें एक पॉइंट, ये जो फर्जी तरीके से पहले तो निकाह, पहले तो ये शादी हुई फर्जी तरीके, पहले धर्म परिवर्तन कराया फर्जी तरीके से। धर्म परिवर्तन का ये 10 रुपए का एफिडेविट काजी को दिखा के कन्विंस किया कि ये लड़की जो है हिंदू से मुस्लिम बन गई पर है। आपको कैसे पता कि वो काजी ही हैं जिनके जिनका नाम लिखा गया है इसमें? नहीं तो मिल ही नहीं रहे काजी जी, तो मिल ही नहीं, काजी जी मिल नहीं रहे, लेकिन जो जो सर हमारे पास निकाह नामा है, इस बेस पे मैं कह रहा हूँ, इस निकाह नामा के बेस पे कह रहा हूँ कि इस धर्म परिवर्तन को दिखा के और काजी को बताया गया कि लड़की जो है हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम अपना ली है और इसने निकाह कर लिया। अच्छा, सबसे खास बात इसमें सर एक चीज और एक पहलू पर ध्यान देने वाली बात है कि जो लड़की पायल है, ये पायल लड़की है किसी इरशाद नाम के लड़के, वाइफ ऑफ इरशाद, इस लड़के के साथ ये भी इसी तरीके से शादी किया था गली दिवाली के आसपास, जी भटकल भटकल कॉलोनी के रहने वाली गली नंबर 6 भटकल, इरशाद जो है भटकल कॉलोनी का रहने वाला है, ये पायल हिंदू लड़की है। मुझे इसके माँ बाप का नहीं पता है कौन है, लेकिन मैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद के माध्यम से मैं ये मैं सूचना दे रहा हूँ कि जो भी लड़की पायल है, ये हिंदू लड़की है, उसके माँ बाप शांत होकर बैठ गए हैं, कोई एक्शन नहीं लिया बेचारे, वो अपने शर्म से या समाज की डर से किसी भी तरीके से एक्शन नहीं लिया उन्होंने, लेकिन ये लड़की से मैं खुद जाके मिला था। नहीं, लेकिन इसमें जो पायल का नाम लिखा है, नाम वकील या वली, वली ये गवाह, ये गवाह बनी है। अच्छा, ये हमारी लड़की की तरफ से गवाह बनी हुई है। अच्छा, जो कि शरीयत कानून में कोई भी औरत जो है गवाह नहीं बन सकती निकाह नामे में। अच्छा जी, नहीं बन सकती है, जो भी बनेगा इसमें मर्द ही बनेगा, औरत तो निकाह नामे में बनी नहीं सकती, गवाह नहीं बन सकती, गवाह नहीं बन सकती। अच्छा, तो मतलब ये निकाह क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ फिर ये? मैं अपनी बेटी को मैं यही तो समझाना चाहता हूँ कि बेटी तू गलत जो है चंगुल में फंसती जा रही है, तू ये तेरा ना तू अब हिंदू है ना तू मुसलमान है, ना तेरी मुसलमान की रीति से शादी हुई ना हिंदू की रीति से शादी हुई है, किसी भी तरीके से तेरी शादी ये मान नहीं है। 32 तोला चांदी नगद मेहर, हाँ मेहर है जी। अब ये बताएं, लेकिन जब ये फर्जी तरीका, तो इसमें कोई 420 वगैरह नहीं लगाई, 467 468? मैं हमारे सचिव साहब SGM नगर संदीप कुमार जी से मैं बराबर कांटेक्ट में हूँ और बराबर उनको मैं फ़ोन कर रहा हूँ कि सर इस पे आप जांच कीजिए, वो पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मस्जिद भी गए थे वहाँ पे पता कर रहे हैं, लड़के लड़की को भी बुलाया था इन्वेस्टिगेशन में, पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं। अब जो भी वो उनका जाँच का जो भी दायरा होगा वो हमारा कोर्ट के समक्ष वो पेश करेंगे सारी बातें, तब हमको पता लगेगा कि इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ, क्या हुआ इन्वेस्टिगेशन में, क्या हुआ। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस मामले अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी को लेके ये हवाला दिया जाता है कि 5 साल की सजा में डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं है, 5 साल से ऊपर की सजा में गिरफ्तारी होगी। यूपी में तो इतने सारे सैकड़ों की तादाद में लोग गिरफ्तार कर लिए इस कानून में। सर मैं वहाँ योगी जी हैं और योगी जी का कानून और न्याय व्यवस्था और प्रशासन शासन वहाँ बहुत जबरदस्त है, वहाँ इस तरीके के क्राइम तो पहली बात होता नहीं, और अगर हो भी जाए ना तो उसका तुरंत निदान होता है। तो अब क्या चाहते हैं हमारे दर्शकों से, आप क्या अपील करना चाहते हैं? हम सभी दर्शकों से ये चाह रहे हैं कि कहीं भी हमारी ये दोनों बच्चे दिखाई पड़े तो जो भी इनके टच में हो किसी भी प्रकार से उनको सद्बुद्धि दें, उनको समझाने की कोशिश करें कि बेटा तुमने जो एक कदम उठाया है वो सामाजिक तौर पे सही नहीं है, व्यवहारिक रूप पे सही नहीं है और हर तरीके से ये गलत है। बड़े हो जाने का मतलब ये नहीं है कि माँ बाप की इज्जत उछाल दो, बड़े होने का मतलब ये नहीं कि समाज में इस तरीके से आप जो है
समाज में अगर हम रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सारे भाई रह रहे हैं, और समाज में इस तरीके कोई घटना घट जाती है तो हर एक के मन में एक तरीके का ठेस आ जाता है। तो अगर आप लोग सामाजिक कटुता बढ़ती कटुता है, बढ़ती है सामाजिक कटुता बढ़ती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जी जी इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो भी किया इन लोगों ने वो बहुत गलत किया है, इसका समाज में बहुत बुरा असर जा रहा है, बहुत बुरा असर जा रहा है। और उसकी वजह से अभी अभी जो पूरा मामला है वहां तनाव बना हुआ है, बिल्कुल तनाव बना हुआ है। नगर में तनाव बना नगर में थाने में हमने FIR करा रखा है। ये पूरा परिवार इनका घर छोड़ के कहीं बाहर रह रहे हैं, घर में इनके 41A का पुलिस ने नोटिस लगा रखा है, इनका घर बंद है, घर पे कोई नहीं है। मैं इनके माँ बाप से भी अपील करता हूँ, इनके माँ बाप भाई से भी अपील करता हूँ कि देखिए इसमें आप नहीं गलत हैं तो आप हमारे पास आइए और इन बच्चों को किसी भी तरीके से समझा के, किसी भी तरीके से समझा के ये जो हमारा सामाजिक व्यवहार है, भाईचारा है, ताना बाना है, ताना बाना इसको बना के रखिए, इसको बिगाड़ने की कोशिश मत करिए, किसी भी तरीके से बना इसको बनाइए, बिगाड़िए मत। बच्चों ने बेशक गलती की हो लेकिन इसमें अगर आप बड़े हैं, वो उनकी तरफ से कभी मेरे पास फोन नहीं आया, इनके माँ बाप ने कभी मुझे फोन नहीं किया, कभी भी किसी प्रकार से कुछ नहीं, हमारी मर्जी नहीं जाना, हमारी मर्जी नहीं पूछा, और उल्टे उनके फेवर में है, उन बच्चों के फेवर में है, उन बच्चों के फेवर में है जी जी उनको समझाने के बजाय उनके फेवर में है, उनके फेवर में है। तो अब पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस सर कार्रवाई कर रही है, इन्वेस्टिगेशन में चूंकि मेरा केस है, इन्वेस्टिगेशन काम का काम पुलिस का है, पुलिस कर रही है। अब पुलिस क्या कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेगी, ये हमारी 6 को डेट पड़ी हुई है, उस तब पता लगेगा। 6 जनवरी को, 6 जनवरी 2023 को, 6 जनवरी 2023 को, 2023 को जी। शुक्ला जी, स्टूडियो आने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा एक सर एक मैसेज है जी कि किसी भी तरीके से हमारी लड़की हमारे घर वापस आ जाए, वो अभी अनजान है, इन सब चीज़ों से नहीं समझ पा रही है कि वो अपने कितना बड़ा गलत कदम उठा रखा है। अगर वो मेरा वीडियो देख रही है तो मेरा उससे ये अपील है कि वो किसी भी तरीके से इस चंगुल से बाहर आए और अपनी लाइफ को ख़राब ना करे। ये वॉइस ऑफ फरीदाबाद के माध्यम से मैं एक मैसेज उस तक पहुँचाना चाहता हूँ जी। धन्यवाद, जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।